प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 10th के अंदर सामान्य विषय में अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का दूसरा भाग खनिजों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, यानी कि खनिजों के प्रकार पढ़ेंगे। तो इसको एक टेबल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे, खनिजों का वर्गीकरण जिसको हम एक टेबल के माध्यम से करेंगे। खनिज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इस टेबल के माध्यम से हम इनको विस्तार से समझेंगे कि खनिज कितने प्रकार के। तो खनिजों को 3 वर्गों में डिवाइडेशन किया जा सकता है। सबसे पहला धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, इसका अपोजिट कर ले अंग्रेजी हम तो हो जाएगा अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। और तीसरा इसका प्रकार लेंगे अपन तो होगा ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज। इस प्रकार से खनिज को 3 वर्गों में हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला धातु, जैसे नाम से हमें लग रहा है धात्विक, यानी कि धातु वाला खनिज। कहने का मतलब ऐसे खनिज जिसमें किसी न किसी धातु का भाग पाया जाता है, अंश पाया जाता है, उसे धात्विक खनिज के नाम से जाना जाता है। अधात्विक खनिज ऐसे खनिज जिसमें किसी भी प्रकार की धातु का अंश नहीं पाया जाता, अधात्विक खनिज। और ऊर्जा खनिज ऐसे खनिज जिनका प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वह ऊर्जा खनिज के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अब जो धात्विक खनिज है, इन धात्विक खनिजों को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे बहुत सरल ढंग हम इससे समझने का प्रयास करेंगे अपन, तो इसको भी 3 वर्गों में बांटेंगे अपन। तो लोह खनिज, लोह खनिज, दूसरा इसमें अलोह खनिज, अलोह खनिज, तीसरा है इसमें बहुमूल्य खनिज, बहुमूल्य खनिज। तो इस प्रकार से 3 वर्गों में इसको बांटा जा सकता है। लोह खनिज ऐसे खनिज पदार्थ, ऐसे धातु खनिज जिसमें लोहे का अंश होता है, ऐसे धातु खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं होता, और ऐसे धातु खनिज जो बहुमूल्य होते हैं। तो लोहे का अंश जिसमें रहता है उसको जलाता है लोह अयस्क, लोह अयस्क इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। दूसरा इसमें देखिए अपन तो तांबा, सीसा, जस्ता ऐसे हैं जो अलोहे धातु तो है लेकिन इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती। और बहुमूल्य खनिज में यदि हम लें तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये ऐसे खनिज है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है और ये बहुमूल्य होते हैं, यानी कि ज्यादा मूल्यवान होते हैं। अब आता है अधातु खनिज, ऐसे खनिज जिसमें किसी भी प्रकार की धातु का अंश नहीं होता है। तो मान लो चूना पत्थर, इसमें कोई धातु नहीं होती है, चूना पत्थर में किसी प्रकार की धातु नहीं होती है। अभ्रक, नमक, तो ये ऐसे खनिज हैं जिनमें किसी भी प्रकार की धातु का कोई अंश नहीं होता है और ये अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ऊर्जा खनिज में यदि हम लें तो सबसे प्रथम कोयला, कोयला प्राचीन काल में सभी प्रकार के ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। फिर ऊर्जा के कोयले के बाद में आया पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का उपयोग हम अलग अलग रूप से डीजल, पेट्रोल, ऑयल आदि के माध्यम से और लेते रहते हैं। फिर प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस जो आधुनिक सबसे ऊर्जा का महत्वपूर्ण साधन है, ये एलपीजी में और सीएनजी दोनों में आ रही है, पॉल्यूशन रही गैस होती है जिसका उपयोग घरों में और वाहनों में हम करते हैं। फिर नवीन आधुनिक आया हमारे अभी परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा,
इसमें थोरियम यूरेनियम आदि इस प्रकार के नाम रखते हैं जिनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो खनिजों के वर्गीकरण को बहुत शॉर्ट टर्म से इस टेबल के माध्यम से हम परिभाषित कर सकते हैं आराम से। धात्विक जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, अधात्विक जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, ऊर्जा ऐसे खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर जो धात्विक खनिज है वो भी तीन वर्गों में लोह खनिज अलोह खनिज बहुमूल्य खनिज, आराम से इनको समझेंगे। लोह जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, अलोह जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है, और बहुमूल्य जिसमें लोहा का अंश भी नहीं पाया जाता और ये बहुत मूल्यवान होता है, अधिक मूल्य वाले होते हैं। अधात्मिक में चुना पत्थर अधात्मिक नमक, ऊर्जा खनिज में कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एलपीजी सीएनजी प्राकृतिक गैस के रूप में अलग नहीं है, इसी का भाग ये और परमाणु ऊर्जा। तो इस प्रकार से खनिजों का वर्गीकरण करके इनको हम परिभाषा कर सकते हैं और इनको विस्तार से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने खनिजों का वर्गीकरण जो इस अध्याय का दूसरा भाग था वह समझा। 6 इन।